لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدرت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضى. السلام عليكم ايفرون, كيا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اور نیو ولاگ. तो यार सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 4, तो सहरी का टाइम हो रहा है, सभी सहरी करते हैं, तो फिर चलते हैं हम लोग नमाज पढ़ने सहरी करने के बाद. तो यार सहरी तो कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर लिया. अब हमने बाइकिया वाले को बुलाया. बाइकिया बाइकिया आप ही हैं बाइक का? दूसरी दफा आयो यार, तो आप जता रहे हो दूसरी दफा आयो. क्या तुम आए थे अभी? क्या गंदे काम थोड़ी कर रहे हैं? फिर ये बताओ क्या बोल रहे हो तुम? अभी अभी तुम आए तो दूर बोल रहे हो क्या? बंद डकैत पकड़े वाले घर के सामने. अभी नहीं पकड़े अभी भाई को बोल. नमाज तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह. अब जो है हम लोग आपको मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह. तो यार सीन ये है कि हम लोग आज से 4 से 5 दिन पहले गए थे VIP पॉप्सिकल, जो कि ओन करते हैं मुस्तफा हनी, जो कि बड़े फेमस यूट्यूबर हैं कराची के. तो वहाँ का व्लॉग बनाया था, लेकिन उसका व्लॉग आगे नहीं बना पाए थे. तो जब इसी व्लॉग के साथ जो है मैं वाला व्लॉग अटैच कर रहा हूँ, सही है, आप लोग वाला एंजॉय करें व्लॉग. तो यार सीन ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं VIP पॉप्सिकल, जो कि ओन करते हैं मुस्तफा हनी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कराची के फेमस. तो अभी हम चलते हैं, जाते हुए तो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कराची का हालात ऐसे है नहीं, वहीं आप लोगों को पहुँच के मिलते हैं. तो यार सीन ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं VIP पॉप्सिकल. ये देखें फुल VIP मॉल है इधर. तो कब आएंगे मुस्तफा भाई? साढ़े दस बजे तक. साढ़े दस बजे तक आएंगे मुस्तफा भाई. अब चलते हैं अंदर, चल के सही. तो यार मुस्तफा भाई तो मिले नहीं है, हमने एक आइसक्रीम ले ली पॉप्सिकल उनकी. अब ज़रा चेक करते हैं इसको खा के कैसा फ्लेवर है इनका. ये तो बोल रहे हैं कि मुस्तफा भाई आएंगे 10:30 के बाद, तरावियां पढ़ने के बाद आएंगे. तो इतना टाइम है नहीं उनका इंतज़ार करें, क्योंकि हमें भी आगे जाना है. इधर इतनी मुश्किल होते पूछते हैं, बाइक पंचर हो गई रास्ते में, 1 घंटा वहाँ पर लग गया, अब पंचर लगवा लेंगे. अब तो इतना वेट तो कर नहीं सकते. अब ये आते हैं, टेस्ट इसका बढ़िया है और अपना सारे फ्लेवर बता रहे हैं इनके जो हैं काम करने वाले, वो बता रहे हैं सारे फ्लेवर अच्छे हैं. ये हमने लिया है ग्रीन एप्पल, तो इसका भी टेस्ट अच्छा है, बाकी तो अभी ट्राई नहीं करिए. तो यहाँ पर अभी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा सुनसान है ये देखें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ख्यालों की तबीयत ज़िंदा हो सकती है,
फौरन निकलना है हमें यहाँ से, पूरा सुनसान रोड है पूरा। तो अब आप लोगों को मिलते हैं वहीं घर पहुँच के। तो यार कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो एक बात करनी थी कि मैंने सिर्फ अभी तक 2 व्लॉग अपलोड करे हैं, जिसमें से मैंने एक व्लॉग का ही गैप 1 हफ्ते का लिया है। अब कल मैं बैठ जाऊंगा एहतिकाफ में, तो एहतिकाफ से जो उठेंगे चांद रात वाले दिन उस वक्त का मैं व्लॉग बनाऊंगा, जो कि अपलोड होगा पहली ईद को। पहली ईद का व्लॉग अपलोड होगा दूसरी ईद को, और दूसरी ईद का व्लॉग अपलोड होगा तीसरी ईद को। तो अपने भाई को इजाज़त, उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं जल्द अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। فبدرت شخصا آخر كي أتفاخر.